पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड की सबसे इंटेलिजेंट अभिनेत्रियों में शुमार सुष्मिता सेन का बॉलीवुड का सफर बेहद ही शानदार रहा। सुष्मिता सेन की छवि एक ऐसी अभिनेत्री की है जिन्होंने जिंदगी को हमेशा अपनी शर्तों पर जीना पसंद किया है। सुष्मिता अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रहती हैं। सुष्मिता के लव अफेयर के किस्से किसी से भी छिपे नहीं हैं। इस बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। फिल्म दस्तक की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर विक्रम भट्ट से बढ़ी थी। विक्रम की पत्नी अदिति को जब इन दोनों के संबंध के बारे में पता चला तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि विक्रम को अपना घर ही छोड़ना पड़ा था। विक्रम ने सुष्मिता के खातिर अपनी वाइफ से तलाक भी ले लिया था और उनके साथ लिव इन में भी रहने लगे थे। विक्रम भट्ट से अलग होने के बाद सुष्मिता सेन की लाइफ में एक होटल बिजनेसमैन संजय नारंग आए। संजय सुष्मिता से शादी करना चाहते थे। 2.5 साल तक सुष्मिता संजय के साथ लिव इन में रही, लेकिन शादी की मंजिल तक पहुँचने से पहले ही दोनों का रिश्ता ही खत्म हो गया। संजय से अलग होने के बाद सुष्मिता सबीर भाटिया के साथ नजर आने लगी। खबरों के मुताबिक उन्होंने सुष को 10.5 कैरेट की बेशकीमती रिंग भी पहनाई थी, लेकिन सुष्मिता की माने तो वो अंगूठी उन्होंने खुद खरीदी थी। सबीर और सुष्मिता ने कभी पब्लिकली इस रिश्ते को स्वीकारा नहीं। सबीर से रिश्ता टूटने के बाद सुष्मिता बॉलीवुड में आए न्यू कमर रणदीप हुड्डा को डेट करने लगी। दोनों काफी समय तक साथ रहे, लेकिन ये रिश्ता भी दूसरे रिश्तों की तरह टिक नहीं पाया और दोनों के रास्ते अलग हो गए। इन दिनों सुष्मिता अपनी उम्र से करीब 16 साल छोटे मॉडल रोमन शॉल को डेट कर रही हैं। इसे लेकर भी सुष्मिता अक्सर चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशनशिप को किसी से छिपाया नहीं। एक इंटरव्यू में सुष्मिता ने शादी ना करने के सवाल पर अपने पिता के रिएक्शन के बारे में बताया था। सुष्मिता ने बताया कि उनके पिता ने एक बात इस बात पर ये रिएक्शन दिया था और कहा था कि क्या आपको लगता है कि मैंने अपनी बेटी की परवरिश ऐसे की है कि वो बस किसी की पत्नी बनकर पहचानी जाए। सुष्मिता के पिता के इस बयान से तो ये जाहिर तौर पर पता चलता है कि उनको परिवार की ओर से शादी को लेकर कोई दबाव नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।